नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा बताने जा रहा हूं। यह व्रत संतान प्राप्ति तथा उनकी रक्षा एवं अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस दिन जांबवंती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा की जाती है। माताएं शिव पार्वती का पूजन करके संतान प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापिस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी
ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उसको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्मों की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में सब ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनित व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनित व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुआं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर से शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठे लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे देवें। उसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, यदि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो यह थी संतान सप्तमी की कथा। तो बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर एवं माता पार्वती आप सभी व्रत करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो यह थी आज की कथा। आशा करता हूं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।